राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं कुठारकला और नागड़ा में आज वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कारों से नवाजा और उनका उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह शैक्षणिक संस्थाओं में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है। प्रिंसिपल साहब ने और मंच संचालिका मैडम जी ने कहा कि दो वर्षों तक कोरोना महामारी के कारण कोई कार्यक्रम नहीं हो सके, बच्चों की क्लासेज भी घर से चलती रही, हम आप सब लोग भी घरों में रहे, लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि उस बीमारी को कंट्रोल करने में सरकारें कामयाब हुई, प्रशासनिक अधिकारी कामयाब हुए और आज हम आप सब लोग बिना मास्क के जहां सब लोग बैठे हैं, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस देश के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, इस देश के पुलिस के लोग जिन्होंने ड्यूटियां दी, टीचर्स, हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जिसकी भी ड्यूटी लगी, हर कर्मचारी की, और इस देश के मेडिकल साइंटिस्ट ने हम लोगों को दो टीके निकाल करके दिए कोरोना महामारी के, कोविड-19 के विरोध में उनको लगाया गया। और इससे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया, पहला टीका लगाने में भी और दूसरा टीका लगाने में भी। मैं अपने कर्मचारियों का प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हो रहा है उसके उपलक्ष्य में जहाँ इकट्ठे आए हैं, अलग अलग बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए, स्पोर्ट्स, कल्चर, एकेडमिक गतिविधियों में जिन्होंने हिस्सा लिया, कोई पोजीशन हासिल की, उन सब बच्चों को जहाँ सम्मानित किया गया, जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन सबको सम्मानित किया गया और बाकी सभी भी जितने भी लोग बैठे हैं, हम आप सब लोग इस गांव के जिम्मेदार नागरिक हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं। मैं इस मंच की ओर से और स्कूल की ओर से जहाँ आए हुए सभी बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, नौजवान मित्रों का और बच्चों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत ऊना से राकेश की रिपोर्ट।